पहले प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे देखो वर्मा जी, यादव बहुराय जी हैं, अगर अखिलेश मुख्यमंत्री हो गए तो उनको उसमें फायदा है। और फिर क्या कहेंगे, मुसलमान बहुराज आएंगे तो और वर्मा जी टाइट हो गए कि हर मुसलमान बहुरा जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल वोट देना है। तो डर के वोट दे रहे हैं, अपने मुद्दे पर कहां वोट दे रहे हैं? और जब अपने मुद्दे पर नहीं वोट दे रहे हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? और ये सवाल उठाने भी ना दिया जाए और ये डर का माहौल पैदा करके ही इनका वोट लिया जाए, जाति का माहौल पैदा करके वोट लिया जाए, धर्म का माहौल पैदा करके वोट लिया जाए, ये षड्यंत्र पूंजीपतियों के द्वारा देश में चलाया जा रहा है। इसको आम किसान मजदूर को समझने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। अब बताइए, 75 साल आजादी को हो, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब तो सब ने मिलकर लड़ी, ऐसा थोड़े के एक जात बिरादरी के लोगों ने, सब ने लड़ी। हमारे बाप दादा पूर्वजों को ये बताया गया, समझाया गया कि अंग्रेजों को खदेड़ दो इस देश से, तब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। खदेड़ दिए, 75 साल हो गया, और 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, जो 52-60% ओबीसी है इसकी गिनती 75 साल में नहीं, कुत्तों की भी हो गई, और कुत्तों में जो पालतू कुत्ते हैं उनकी भी हुई, जो फालतू कुत्ते हैं उनकी भी हो गई। गलियों में घूमने वाले फालतू होते हैं और घरों में पाले जाने वाले पालतू होते हैं, तो दोनों की हो गई, हिजड़ों की हो गई। हिजड़ों ने कहा कि आप हमारे ऊपर बहुत बोलते हो, हमको ठीक नहीं लगता है। तो हमने कहा चलो कम बोलेंगे, मगर बोलना पड़ता है हमारे लोग, थोड़ा जब ये पता चलता कि तुम्हारी हो गई उनकी नहीं हुई तो थोड़ा हमारे लोग प्रेशर में आते हैं तो थोड़ा जाग जाते हैं, नहीं तो सो रहे हो, क्योंकि जो हमारे लोगों का दिमाग है वो धक्का मारो दिमाग, धक्का लगाना पड़ता। जैसे गाड़ी खड़ी हो जाए बहुत दिन तक घर में तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है, दो चार नौजवान ढूंढना पड़ता, भाई पीछे से धक्का मारो। तो जब धक्का मारा तब गाड़ी चार्ज हुई, चालू हुई, फिर बैटरी चार्ज होगी, फिर गाड़ी चलेगी। वैसे ही जो ओबीसी समाज है इसका दिमाग चलता नहीं अपने हक अधिकार के लिए, बाकी हर काम में चलता है, अपने हक अधिकार के लिए नहीं चलता, इसे धक्का मारना पड़ता है। जब कहते हैं कि जानवरों की हुई, कुत्तों की हुई, हिजड़ों की भी हो गई, तब उसको थोड़ा झटका लगता है कि अरे हमारा नहीं हुआ, हिजड़े करवा लिए, अरे हिजड़े तो ऐसे बता दिए हम पिछड़ों से ठीक है। आप बताओ नगर निगम चुनाव में इतने पिछड़े वर्ग के लोग लड़े, रिकाउंटिंग नहीं करवा पाए, चुनाव हरा दिए, और एक हिजड़ा लड़ा, कहा बगैर रिकाउंटिंग कराए जाएंगे नहीं, कुछ भी कर लो, और डीएम को रिकाउंटिंग करवाना पड़ा और वो जीत गया। वो तो लड़ रहे हैं, हिजड़े भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, मगर पिछड़े अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि ये धर्म जाति में बटे हुए हैं, इसलिए ये लड़ नहीं रहे हैं। टीवी देख देख कर इनका दिमाग खराब हो गया, एक तो टीवी देख देख कर खराब हो गया, दूसर के पंडित जी घर में आते रहते हैं वो और खराब किए रहते, जन्म से लेकर मरने के बाद तक एको काम बगैर पंडित के होता है, एक भी काम बगैर पंडित के नहीं होता। बच्चा हम लोग पैदा करते हैं नाम रखने के लिए, पंडित जी के पास जाते हैं, अरे पैदा कर लिया तो पैदा करना बड़ा काम है कि नाम रखना बड़ा काम है? अरे पैदा करना ना बड़ा काम है, जो बड़ा काम था वो कर लिया, और छोटे काम के लिए पंडित के पास जाते हो। बेटा हमारा नाम पंडित का, बेटा हमारा है नाम पंडित से रखवाते हो, और बच्चे को पढ़ा दिया, डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर बना दिया, फिर शादी की तारीख का समय आया तो ये नहीं सोचेंगे कि आपस में समझ लेते हैं जो तारीख सही हो, जो दिन सही हो ऐसा रख लेते हैं ताकि हमारे नात बात रिश्तेदार परिवार सब हाजिर हो जाए, ये नहीं सोचते। पंडित के पास जाते हैं, पंडित एकदम घोर लगन में बताता है ताकि टेंटो करे जाओ तो मिले ना, रसोईया करे जाओ बावर्ची तो मिले ना, कपड़ा खरीदे जाओ 10 रुपया महंगा मिले, हर चीज 10 रुपया महंगा मिले, कोनो चीज 10 रुपया सस्ता नहीं मिलना चाहिए, और पंडितों तो 10 रुपया महंगा मिलेगा, उसकी भी तो डिमांड रहेगी लगन में, वही कहां सस्ता मिले।
तो घोर लगन में बताता है, और फिर उसके बाद सदियों कराएगा तो अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो कराएगा नहीं। पढ़ा लिखा पंडित कहता है हमारा काम थोड़े है, इतना पढ़े लिखे हैं शादी कराने के लिए, अनपढ़ों का काम है, ले जाओ उनसे कराओ, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, ले जाओ। तो वो कराते, फिर घर बनवाया तो गृह प्रवेश किससे होता।